तो चलिए साथियों, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब हम आज आपको दिल्ली की सैर कराते हैं। दिल्ली की सैर का मतलब यह है कि मैं स्पेशली ये ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ, मैं अपने काम से जहाँ जहाँ जा रहा हूँ आप वो देखेंगे। और ये अभी जो मैं हूँ जिस जगह पे, ये साउथ एवेन्यू है, दोनों साइड मिनिस्टर्स और एमपीओं के फ्लैट्स हैं, सड़क के दोनों साइड और बीच का ही सड़क है। और ये पीछे था पुलिस स्टेशन, था साउथ एवेन्यू का, गुजर गया मतलब कि पीछे चला गया। और मौसम आज भी ठीक है, थोड़ा गर्मी है, कल तो बारिश काफ़ी हुई थी लेकिन आज थोड़ा सा गर्मी है। और ये देखिए, ये यहाँ से तीन मूर्ति मार्ग है। ये जो सामने आपको जो दिख रहा है, ये इंदिरा गांधी मेमोरियल, नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी है। दिल्ली की सड़कें काफ़ी अच्छी, साफ सुथरी, हरियाली काफ़ी, यहाँ की सड़कों पे हरियाली आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, हरियाली काफ़ी रहता है यहाँ। और ये चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन, एक और वो पीछे साउथ एवेन्यू का था, और ये चाणक्यपुरी। विश्व युवा केंद्र आगे चल के शांति पथ है, शांति पथ में सारे एम्बेसीज का ऑफिस, उसको बोल सकते हैं कि सारे कंट्रीज के एम्बेसी हैं शांति पथ में, लेकिन हम शांति पथ नहीं जाएंगे, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं धौला कुआं की तरफ। अब आ गया ये कौटिल्य मार्ग। कौटिल्य मार्ग पे भीड़ थोड़ा ज्यादा है, ट्रैफिक है, ऐसा गुमसुम मौसम हो रखा है, मतलब न तो धूप है न तो छाया है, मौसम में उमस है, उमस, गुमसुम मींस उमस। एक मिनट के लिए मैं गाड़ी को रोकूं और थोड़ा सा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा पहले हम दूर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा तो सड़कें अच्छी है यहाँ की, मणिपुर भवन, पुडुचेरी भवन, पुडुचेरी भवन, और ये आ गया उत्तर प्रदेश भवन, और है कर्नाटका भवन, छत्तीसगढ़ भवन, सारे राज्यों के भवन है यहाँ पे, वहाँ राज्य के ऑफिशियल मिनिस्टर्स, एमएलए, सीएमपी जो भी हैं वो यहाँ आके रुकते हैं दिल्ली में जब उन्हें यहाँ कुछ काम होता है। और ये जो घर है दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये मायावती का घर है दिल्ली में, सरदार पटेल मार्ग। तो आइए अब हम मेन सड़क पे आ जाते हैं, सरदार पटेल मार्ग वाली सड़क पे। लॉकडाउन है इसलिए सड़कों पे गाड़ियां नहीं के बराबर है। लॉकडाउन में वैसे ही हर चीज की पाबंदी है, ना तो ज्यादा गाड़ी ना लोग दिखने चाहिए, और सावधानी बरतना है। धौला
धौला कुआं हम पहुंचने वाले हैं। ये धौला कुआं है जो आप देख रहे हैं, ऊपर मेट्रो की लाइन जा रही है। धौला कुआं काफ़ी मशहूर है, यहाँ से हर स्टेट की बसें चलती है, यहाँ से राजस्थान वगैरह की, जयपुर शायद हरियाणा, हर तरफ की बसें यहाँ से निकलती हैं। और ये धौला कुआं है। धौला कुआं मेन जगह है जो इंटर स्टेट को कनेक्ट करता है, जिसके कारण से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हमेशा होता है। नॉर्मल डेज में तो इतना जाम होता है कि आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन अभी देखिए कोविड की सिचुएशन है, फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक है। और ये जो सीधा रास्ता है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये आपको गुड़गांव चला जाएगा और आगे जयपुर हरियाणा काफ़ी जगहों पे चला जाएगा। अपने मेट्रो स्टेशन है धौला कुआं का, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर। कुछ खास नहीं है, बस हमने सोचा कि जब आज घर से निकला हूँ तो आपको भी दिल्ली दिखाई जाए। अब मैं स्पेशली अब दिल्ली तो दिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने सोचा कि जिस सड़क से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उन रास्तों को आपको दिखाया जाए और इन रास्तों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। देखिए सड़कें काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ से गुड़गांव करीब 15 किलोमीटर होगा, स्ट्रेट, कहीं मुड़ना नहीं है, सीधा चलते जाना है। हम वैसे मुझे गुड़गांव जाना नहीं है, लेकिन मैं केवल बता रहा हूँ कि ये रास्ता सीधा गुड़गांव की तरफ जाता है। हम अंदर से भी चल सकते हैं, एक तो कैंट एरिया है, आर्मी एरिया है, वहाँ से भी जा सकते हैं, और एक सीधा लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वहाँ से जा सकते हैं। कैंट एरिया में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कैंट एरिया का मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, वो सिक्योरिटी रीजन से आर्मी एरिया है। मैं जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ का वीडियो बनाना ठीक नहीं है सिक्योरिटी रीजन से, तो इसलिए कैंट एरिया को मैंने छोड़ दिया। हमारे राइट साइड जो रास्ता जा रहा था वो कैंट एरिया के लिए, मैं सीधा इस रास्ते पे हूँ जो कि गुड़गांव के लिए है, और ये सीधा एयरपोर्ट भी आएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ मैं, दो मिनट लगेगा, एक मिनट दो मिनट फिर हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मेट्रो की लाइन्स हैं साइड साइड में। ये नेशनल हाईवे 8 है, देखिए सामने लिखा हुआ नेशनल हाईवे 8। मंडे से लॉकडाउन को खोला गया है, मंडे से बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी हटा दी गई है। आज जो नोटिफिकेशन आया है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक मेट्रो भी चालू हो गया मंडे से, दुकानें भी खोलने का परमिशन दे दिया गया है, ऑफिसेज सारे 50-75% के लोगों को एंट्री मिलेगी ऑफिसों में जो ऑफिसर हैं। तो एक प्रकार से मंडे से सब कुछ सामान्य होने वाला है। अब ये कोरोना सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब सामान्य होने वाला था लास्ट टाइम, तो फिर ये कोविड इतना हैवी हो गया, अब तो फिर एक बार सामान्य की स्थिति मंडे से आ रही है, और सामान्य ही बना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश ये हो कि हमेशा स्थिति सामान्य रहे, कभी भी स्थिति में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे चीज़ों का नुकसान हो जा रहा है। अब देखिए ये जो जगह है, यहाँ से दो रास्ते हैं, लेफ्ट जो है वो चला जाएगा द्वारका, गुड़गांव, जयपुर, राइट जो है वो राइट वाला जाएगा गुड़गांव और जयपुर, लेफ्ट जाएगा द्वारका और एयरपोर्ट।
वैसे एयरपोर्ट आप राइट वाले से भी जा सकते हैं और लेफ्ट वाले से भी जा सकते हैं। लेफ्ट वाला डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाता है, राइट वाला से आप इंटरनेशनल भी जा सकते हैं, डोमेस्टिक भी जा सकते हैं। ये देखिए सामने एक हवाई जहाज जा रहा है, उड़ रहा है, पता नहीं मेरे मोबाइल में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज काफ़ी नीचे फ्लाई किया है। तो ये सामने ही है बिल्कुल अब एयरपोर्ट, और ये है मेट्रो की लाइन, और देखिए कितने ग्रीन 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 ये जगह, कई अच्छी जगह, कई अच्छे रास्ते। तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। ये सामने देखिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेफ्ट में यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हम जा सकते हैं, दोनों एयरपोर्ट यहाँ से है।